हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। और गाइस, आज मैं एक फिर से न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा गॉड्स मोड। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसमें डेली कोई ना कोई टेक के रिलेटेड या एजुकेशनल वीडियोज़ या मोटिवेशनल वीडियोज़ या यूडमी के फ्री कोर्सेज बिल्कुल मिलते चलेंगे। तो गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो होप सो गाइस, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके होंगे। और गाइस, जैसे मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हूँ तो सबसे पहले गाइस मैं ओपन करता हूँ अपनी सेटिंग्स। तो सेटिंग्स ओपन करने के लिए मैं क्लिक करूँगा विंडोज़ प्लस आई। और गाइस, जैसे मैं विंडोज़ प्लस आई करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आ चुकी है जिसमें सारी सेटिंग्स आपको दिख रही होंगी। लेकिन गाइस, आपने कभी सोचा है कि अगर मुझे डेट एंड टाइम चेंज करना हो, या मेरे को कोई साउंड चेंज करना हो, या मुझे बैकअप बनाना हो, या मुझे हिडन फाइल्स को ओपन करना हो, तो मेरे को कितनी ज़्यादा सर्चेस करने रहते हैं? या तो मेरे को यहाँ पे जाके सर्च करना रहता है, या ऑल्टरनेटिव है कि आप यहाँ पे जाके फाइंड अ सेटिंग कर सकते हैं, या थर्ड तरीका है कि आप सिंपली गाइस सेट सिस्टम पे जाते हैं, या और जो जो चीज़ें आपको चेंजेस करने हैं आप वहाँ पे जाके धीरे धीरे सारी चीज़ें करते हैं। क्यों ना अगर मेरे पास एक शॉर्टकट हो जो डेस्कटॉप पे हो और जिस पे एक सिंगल क्लिक करके मेरे पास सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एक सिंगल प्लेस में हो। अगर कहीं से सिंगल पेज में हो जाए तो कितना फ़ायदा रहेगा। सिंपल, मैं उस बॉक्स को खोला करूँगा और उस बॉक्स को ओपन करने के बाद सिंपली गाइस मेरे को जो भी सेटिंग चाहिए मैं उसमें सर्च करूँगा। सारी सेटिंग्स प्रॉपर ऑर्डर में रहेंगी, मैं सिंपली सर्च करूँगा और मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए गाइस, उसी को क्रिएट करते हैं और उसी चीज़ को मैं कहता हूँ यहाँ पे गॉड्स मोड। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गॉड्स मोड, अ प्लेस वेयर आई कैन फाइंड एवरी सिंगल सेटिंग ऑफ माई पीसी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको करना कुछ नहीं है, राइट क्लिक कीजिए, न्यू करिए और एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। फोल्डर क्रिएट करके गाइस आपको इसको रीनेम करना है। रीनेम कैसे करना है ध्यान से देखिए। रीनेम करने के लिए गाइस आपकी स्क्रीन के सामने एक नाम आ रहा होगा, गॉड मोड डॉट, और आपके पास गाइस ब्रैकेट्स के अंदर ये लिखा है कोड। तो आप एज इट इज जैसा कोड लिखा है कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं, आपके पास कोड सामने रहेगा। इसके अलावा गाइस मैं कोड की नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगा, तो आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको गाइस करना ये है कि आपको इस फोल्डर का नाम जब आप रीनेम करते हैं तो आपको इसको वही रीनेम करना है जो मैंने लिखा है। तो देखिए गाइस, मैंने इसको रीनेम कर दिया है। और जैसे ही गाइस मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ बाहर, तो आप देखिए गाइस मेरा एक न्यू सिंबल क्रिएट हो गया है वही फोल्डर। अगर मैं रिफ्रेश करता एक बार तो देखिए गाइस मेरे पास वही फोल्डर आ गया। इस फोल्डर को मैं अपनी स्क्रीन के सामने रख देता हूँ और अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। और अब आप देखिए जादू, गाइस सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स विद देयर प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ऑटो प्ले, बैकअप, बिट लॉकर, डेट एंड टाइम, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल हिस्ट्री, फॉन्ट्स, इंडेक्सिंग, डिलीट, माउस, नेटवर्क, गाइस सारी चीज़ें एक सिंगल प्लेस में। अब अगर मुझे कुछ भी चेंज करना हो मैं 2 मिनट में चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है तो सिंपली सेटअप पर माइक्रोफोन पे क्लिक करूंगा और आप देखिए वो डिटेक्ट करने लगा है मेरी प्रॉब्लम्स। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसके अलावा गाइस आप देखिए, आपको कोई प्रोग्राम गाइस अनइंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको याद हो तो मैं प्रोग्राम्स पे जाता था और बहुत कुछ करता था। अभी सिंपली आप देखिए अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा मैं। और जैसे ही गाइस आप क्लिक करते हो अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पे, तो आप देखिए आप डायरेक्ट उस लिंक पे आ चुके जहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे जो कि आप डिलीट कर सकते हो। तो गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बहुत छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया है गॉड्स मोड पे। तो आप सभी लोग गॉड्स मोड अपने सिस्टम पे रख लीजिए, इसको डेस्कटॉप पे रखिए, सो दैट जल्दी कोई भी सेटिंग्स आप ओपन कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। तो गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे नए नए वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और आप जो भी अपकमिंग वीडियोस में कॉन्सेप्ट चाहते हो, जो भी गाइस आप अपकमिंग वीडियोस में चाहते हो कि मैं बताऊं, आप बिल्कुल उसको कमेंट करिए, मैं वेरी सून आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।